राहुल जी, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो आपसे सच उगलवाती है, तो इसी बात पे बताइए कि छठे चरण का मतदान भी हो चुका है, आपको क्या लगता है ये चरण कांग्रेस के लिए कैसा रहा? देखिए भैया, जब हर चरण में होने वो गिरे हैं तो इस चरण में कौन से झंडे गाड़ देंगे। देखिए भैया, किसी से कहिएगा मत, लेकिन इस बार भी कांग्रेस की हालत बहुत पस्त है। पूरे देश में बस यही चर्चा है, कांग्रेस का होगा बंटाधार, फिर से आ रही है भाजपा सरकार। और आपकी रायबरेली वाली सीट वो तो सुरक्षित है ना? अरे भैया, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हैं? सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसी बात की है कि इस बार हम अपनी पुश्तैनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं। यूपी में आपकी साथी सपा के क्या हाल है, उनकी कितनी सीटें आ रही है? देखिए भैया, जैसे हमारी हालत पस्त है वैसे यूपी में सपा की हालत ध्वस्त है। जैसे हमारी एक भी सीटें नहीं आ रही है वैसे उनका भी डिब्बा गोल है। तो सच सच बताइए, आपने इस बार वोट किसको दिया? देखिए भैया, हमारी सरकार तो आनी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों अपना वोट खराब करूं, तो इसलिए मैंने उसी पार्टी को वोट दे दिया जिसकी सरकार आ रही है। राहुल जी, किसकी सरकार आ रही है? देखिए भैया, बच्चे बच्चों को पता है किसकी सरकार आ रही है, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा कि मोदी जी की सरकार आ रही है, वरना मम्मी मुझे मारेंगी। अरे आप कहां कुछ बताते हैं, लोग तो बस यूं ही आपको बदनाम किए रहते हैं। राहुल जी, हमारे शो में आने के लिए और कांग्रेस की लंका लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, मैं क्यों रोज रोज अपनी पार्टी की मट्टी पलीत करने चला आता हूँ, आज तो मम्मी मेरा कीमा बनाएगी कीमा।